दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए कि इस तरह से हैं। ये चीज़ें सब जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड इनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल में ही दो देशों के दौरा करके आए हैं। पहला दौरा उन्होंने अमेरिका का किया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको बता दूं कि दूसरा दौरा उन्होंने इजिप्ट का किया है और इजिप्ट में भी उन्हें ऐसा ही सम्मान मिला है जैसा सम्मान उन्हें अमेरिका में मिला था। इनफैक्ट अगर हम इस सम्मान को इजिप्ट की नज़रों से देखें तो इजिप्ट ने नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए सारे रूल्स तोड़ दिए और खुद वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को रिसीव किया है और उन्हें गले भी लगाया। ये सब देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है। पाकिस्तान के लोग ये सब देखकर सह नहीं पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है जिसने हाल में ही कश्मीर में हो रहे G20 इवेंट को भी इग्नोर किया था, जिसके कारण पाकिस्तान को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ खास वैल्यू इजिप्ट की तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन इजिप्ट ने पाकिस्तान के उम्मीद पे पानी फेरते हुए बढ़ चढ़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत ही एक ऐसी चीज है जो ध्यान देने लायक है या फिर जिस पे पाकिस्तान को दिक्कत हो रही हो, लेकिन वहाँ पे ऐसे बहुत से डील्स हुए हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो पाकिस्तान को कभी भी पसंद नहीं आने वाला है। और जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान को आज हर्ट कर रहा है वो है ऑर्डर ऑफ नाइल। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता ना हो कि ऑर्डर ऑफ नाइल क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है और बहुत ही कम ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है अब तक। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अवार्ड अब तक एक भी पाकिस्तानी लीडर को नहीं मिला है, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं खटक रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के इजिप्ट विजिट को लेके पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली यूएस में मौजूद थे, लेकिन अब इजिप्ट में गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। बड़ा अच्छा वहां पर वेलकम किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है इजिप्ट की जानिब से, बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद में बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया गया, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रिसिटी हब के तौर पर उभरने वाला है, बहुत सी कंट्रीज के लिए पावर ग्रिड के तौर पर काम करने वाला है, और ये सब चीजें पॉसिबल हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। क्या कहेंगे आप दोनों ही, आप फायका, आपका ताल्लुक तो भारत से है और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है शायान, लेकिन फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये सब जो डेवलपमेंट्स, ये सब जो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? देखिये, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये इंडिया तो खुश है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है और आई थिंक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस चीज की सजा मिली है, क्योंकि अब हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान किस तरह रशिया और चाइना और इसके ग्रुप में चला गया था। आई थिंक ये जो, और जो मोदी ने जो एक डील भी साइन करी, बहुत तीन चार बहुत न्यूक्लियर डील्स और वो सब भी साइन करी है वहां पर जाकर, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अमेरिका ने, मैं तो इंडिया नहीं बोलूंगा, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है कि अगर आपने ये तरह की हरकतें करी तो भाई ये होगा आपके साथ। अब हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान न्यूज चैनल पर बड़ा चल रहा है कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम ये करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये होते कौन है मुस्तरद करने वाले, कि अगर इनकी एक न्यूज चैनल से क्या व्हाइट हाउस डर जाएगा? तो ऐसे मतलब न्यूज चला रहे होते हैं जैसे व्हाइट हाउस तो इनके इनके इशारों पर चलेगा व्हाइट हाउस जैसे। और जहां तक देखिए मोदी की बात है, तो मोदी से तो हमेशा ही पाकिस्तानी जो है वो बहुत खार खाते जा रहे हैं, ये हम सबको पता है। और मोदी की जहां तक आपने कहा कि जी आपने देखा, मुझे नहीं लगता किसी
किसी मुस्लिम लीडर की या किसी पाकिस्तान के लीडर की मस्जिद में या ऐसे कुछ हुआ होता, लेकिन अभी जो मोदी का हुआ है मस्जिद में, जैसे आपने कहा, ये पूरी दुनिया को अब ये बात मान लेनी चाहिए कि मोदी इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज, मोदी इज अ लीडर फॉर होल इंडिया, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, सब मोदी से इक्वली प्यार करते हैं। कौन से खासतौर पर नेबर कंट्रीज की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसिस आपके हैं जी, इनके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ चंद एक बातें बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिले, क्योंकि जो शख्स आता है वो क्रिटिसाइज करता है लेकिन कैस्टिगेट करते हैं आपको, लेकिन वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो हालात के ऊपर एक शेर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में, ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म, मैं जानता हूँ, ठीक है, ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ओआईसी की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए, आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर आईएमएफ भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके आईएमएफ की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने अपनी बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो उनका प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए इस तरह से। तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन आईएमएफ से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है, हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। आप टेक ऑफ कंडीशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल प्लान्स को परसू नहीं करेगी, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। अगर आप ये कर्ज ले लेंगे, आप 2 अरब के लिए सऊदीया को देखते हैं, आप 2 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं आईएमएफ से, और वो आपको जिस तरह धुतकार रहे होते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, और हम वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि आप अटोमिक कंट्री हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि हम एक ही रात में या 1 साल में 2 साल में आपको टेक ऑफ कंडीशन में ले आएंगे, वो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम जिसको भी आप, मेरा खाना वहाँ तैयार हो रहा है जी, तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप वाइंड अप करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो जबरदस्त है वो उसका आंसर दीजिए। मुझे बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, अपना नेशनल जो सा अवार्ड होता है, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, अभी वो इजिप्ट के भी जहाँ पे उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, क्या वजह इंडिया के रिलेशन क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं? टॉपिक मेन ये है, मैं आपको बताता हूँ। एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी, ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि हमारी जो पब्लिक है इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमें पब्लिक के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के जरिए सिर्फ वो बात सुनने को मिलती है जो पब्लिक को अच्छी लगती है, जो हकायक है उसके बिल्कुल उलट है। ठीक हो गया, हकायक उलट है, डेफिनेटली इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो असल इश्यूज हैं वो हमसे साइड पर रखे गए हैं, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे लगाया है, दुनिया जहाँ जा रही है वो हमें नहीं बताया जा रहा। ये बताएं, रिलेशन बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए, लेकिन ये अवार्ड दिए, और 6 टोटल 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए हैं, नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम है, जिसमें इजिप्ट भी आ गया, जिसमें सऊदीया यूएई भी आ गया, जिसमें बहरीन भी आ गया, और इस तरीके से क्या मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ,
आप इंडिया का और पाकिस्तान का ज्योग्राफी अगर गौर से देखते हैं, एशिया का अगर जो ज्योग्राफी है इसको आप गौर से देखते हैं ना, तो ट्रेड की जितनी बेनिफिशरी आप एशिया में ले सकते हैं, जितना बेनिफिट आप एशिया से ले सकते हैं, इसकी मिसाल आप यूं कि 120 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हम चाहते हैं कि इंडिया हमें लीड करे। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पाकिस्तान को क्यों नहीं दी जा रही? पहली बात तो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है ना वो अमेरिकन का चल रहा है, और अमेरिका, और अभी जो दूसरी बात चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर 2.0 आ रहा है, मीन 2.0 जो चाइना का इमर्ज हो रहा है एज ए सुपर पावर, या सुपर इकॉनमी जो इमर्ज हो रही है। तो सब दूसरी बात ये कि जो अगर इंडिया की जो हो रहे हैं ना, जो 120 ममालिक कंट्रीज़ आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया लीड करे, तो इंडिया एक तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो दूसरा लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसमें हर कंट्री के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, जो कि वहाँ MNCs वगैरह हैं, वहाँ सब कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उसी की ही वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की नस्बत इंडिया को फेवर कर रही हैं। और दूसरा अमेरिका है, अमेरिका क्योंकि लीडिंग इस वक्त लीडिंग कंट्री है या लीडर है, तो वो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि चाइना को कंटेल किया जाए, चाहे वो BW3 हो या क्वाड हो या BRI को रोकने के लिए कोई और मनसूबा इन फ्यूचर बनता है, तो वो इसलिए इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो रहा है या वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात देखे जाएं तो जहाँ कहीं हमें इनवाइट भी किया जाता है हम नहीं जाते हैं, हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं जाने के लिए, अगर जाते भी हैं तो वहाँ अगर कश्मीर का मुद्दा उठा के बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए? जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक हमारी कहीं भी बात नहीं सुनी जाएगी। और हम बात करते क्यों जाके, वो तो एक हमारा डिस्प्यूटेड है, हमने बात तो करनी है, ये नहीं अगर क्यों बात करनी है, जब हिना रेबानी ने कहा कि ये जो बात है ये हम लोग कह लेंगे एक छोटे लेवल पर रहकर नहीं कर सकते हैं, बायलिटरल बात नहीं है अब रही है, हम इसको कह लेंगे UN में जाकर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, फिर बिलावल भुट्टो ने जाकर कश्मीर की बात क्यों की शंघाई मीटिंग ऑपरेशंस पर? देखें ये हमारी स्टेट है, हमारी स्टेट की एक नैरेटिव है, और हमने अपनी तरफ से जहाँ भी हमें मौका मिलना है हमने उस फोरम पे बात उठाई जानी है। मेन मसला इस चीज़ का है कि जो आगे दूसरी कंट्रीज का रिस्पॉन्स है तो वो रिस्पॉन्स हमारी इस वजह से नहीं होना, दुनिया में कहीं भी चाहे यूक्रेन का इशू हो चाहे ताइवान का भी चल रहा है रिसेंट चाइना में, तो वो कोई इस वजह से नहीं होना कि हम ठीक हैं या वो इंडिया वाले ठीक हैं, वो हमेशा कंट्रीज़ ने फेवर करनी होती है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से, तो इसी वजह से कंट्रीज़ अलाइन होती है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ताइवान में भी तो मुसलमानों का हो रहा है और फलस्तीन में भी हो रहा है, तो हमारे चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा एक बात आपने और की कि ताइवान में भी मुसलमानों के साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, और चाइना में हो रहा है लेकिन शो नहीं करवाया जा रहा। हाँ ये क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के पीछे आप ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी कहीं वर्ल्ड ऑर्डर में ह्यूमैनिटी नहीं एग्जिस्ट करती, ह्यूमैनिटी नाम का मैं नहीं मानता कि यही बात अगर इंडिया में हो और इंडियन मुस्लिम्स के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो हम बड़े बढ़ चढ़ के उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। एक्चुअली देखे ना वो एक हमारा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना, हम तो शो करवाते हैं कि इंडिया एक फैशिस्ट स्टेट्स है, तो उसी वजह से हमने तो जहाँ भी हमें मिलना है हमने वहीं उनकी कहना है कि जी देखें हमारे मुसलमानों का राइट्स हो रहा है, जेनोसाइड्स हो रही है मुसलमानों की, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, इंडिया में फैशिस्ट स्टेट्स है, तो उस वजह से वो हमारा मैं नहीं समझता। बाकी ये मेन चीज़ है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं, वैसे नहीं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पाँव को टच करके आशीर्वाद लिया और उसके बाद मतलब वो बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी उनके विजिट के हवाले से, और जिस तरह इजिप्ट में उनका विजिट रहा, कितना शानदार इस्तकबाल किया गया उनका, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर जो है वो दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और हमने देखा कि US में भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली, UN में योगा जो है इंटरनेशनल डे के तौर पे उन्होंने जिस तरह डिनर किया और वो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल थी, बाइडन के साथ उनकी जो गुफ्तगू थी उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस में एड्रेस किया वो भी हमारे सामने है, उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी और अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया और मतलब इंडियन कल्चर को वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बड़े बड़े मतलब अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस पूरे सरकमस्टांसिस को देखते हुए क्या कहेंगी? US का उनका बड़ा सक्सेसफुल जो विजिट रहा, उसके बाद सीधा वो इजिप्ट गए और इजिप्ट में जिस तरह उनको ऑनर पेश किया गया,
और शानदार इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद जो है अमेरिकन सिंगर को भी उन्होंने उनके मतलब अमेरिकन सिंगर ने उनके पांव छुए, क्या कहेंगे आप? इंडियन होते हुए मतलब बहुत गर्व महसूस होता है, और 9 साल में जो हम लोगों ने इतने अचीवमेंट्स मोदी जी की वजह से देखे और इतना मतलब सक्सेसफुल होता हुआ हिंदुस्तान को देखा है कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोदी 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 इज एवरीवेयर। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि कितने काइंड हर्टेड है वो और कितने डाउन टू अर्थ है कि जहाँ भी जाते हैं नजरें झुका करके और सर झुका करके सबसे मिलते हैं। मैं इन सब छोटी छोटी चीजों को ना बहुत नोटिस करती हूँ कि इंसान बहुत बड़ा हो जाए फिर भी उसको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बचपन में एक कहावत सुनती थी कि जिस पेड़ में बहुत सारे फल लगे होते हैं ना वो पेड़ झुका हुआ होता है, और जिसमें फल नहीं होते वो तना हुआ होता है। तो आज सच में समझ में आता है मोदी जी को देख करके कि आज इस पूरी दुनिया में जितनी इज्जत और जितना मर्तबा और जितना वैल्यू और सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, इससे पहले हम लोगों का सीना इतना गर्व से चौड़ा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। देखिए 9 साल पहले मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, डेफिनेटली मैं होशो हवास में थी, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक अधूरापन लगता था। जैसे लगता था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने तिरंगे झंडे से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने राष्ट्र के संगीत से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी आर्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी भारत माता से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो ज़रूर है, कुछ तो है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे 9 साल में रिपाहा ऐसा लगता है ना कि बस आकाश छू लिया है हम लोगों ने, और आसमान पे उड़ने वाला जो सीन है वो हम लोगों को दिखाई देता है। अमेरिकन बहुत रिनाउंड सिंगर है मैरी, बहुत रिनाउंड मतलब उनके गाने जो होते हैं वो लोग सुनने के लिए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, लोग तरसते हैं सुनने के लिए, और उनकी उनके गानों को बहुत सराहा जाता है, और मतलब बहुत वैल्यूबल चीज़ है कि उन्होंने पूरा हम लोगों का राष्ट्र संगीत गाया है हिंदी में जनगणमना, और मोदी जी ने उस चीज को वो भी उनसे रहा नहीं जा रहा था, एक भारत का बेटा होने के नाते, एक भारत का पुत्र होने के नाते वो भी बिल्कुल साथ में गाए जा रहे थे, और फिर आ करके उन्होंने मोदी जी का पैर छू करके उनको नमस्कार किया। अब यहाँ पर रिबाहा मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को हिट करना चाहूंगी क्योंकि बिना किए मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि यही बिल्लो रानी है, जब उनको हमारे फॉरेन मंत्री डॉक्टर जयशंकर एस जयशंकर ने नमस्कार किया था तो उन्होंने बहुत बड़ी छोटी बातें कही थी, और तब भी मैंने आपसे ही कहा था कि देखिए ये हिंदुस्तान के संस्कार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किसी से भी मिलिएगा ना तो वो ऐसे ही करेगा, नमस्कार ही करेगा, या हमारे बड़े आ जाएंगे तो हम ऐसे झुक करके ही उनको नमस्कार करते हैं, वो बाद में हेलो हाय हाउ आर यू सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वो बात की बात हो जाती है। तो सोचिए कि वो सिंगर मैरी, रिनाउंड सिंगर, फेमस, द मोस्ट फेमस सिंगर, उन्होंने मोदी जी के पैर छू करके आशीर्वाद लिया, और उन्होंने बाद में अपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी इतने हम्बल हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स को, मुझे उनसे मिल करके अपने आप में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस ओकेजन को पार्टिसिपेट कर पाई और राष्ट्र संगीत में, भारत का राष्ट्र संगीत में गा पाई। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इजिप्ट पर। आज उन तमाम मुसलमानों को ना बहुत हार्ट अटैक आया, आज सुबह से लेकर के इस वक्त तक हिंदुस्तान के वो मुसलमान, पाकिस्तान के वो मुसलमान जो जो मोदी जी को कहते थे कि अरे ये तो मुसलमानों को बहुत डिप्राइव करके रखा हुआ है, या हिंदुस्तान के जो मुसलमान इतनी तरक्की यहाँ के देख रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ की आबो हवा में रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कि नहीं ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये मुसलमानों को डिप्राइव करके रखा है। हालांकि कई बार मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट मुसलमानों की हटगर्मी के और ज्यादती के मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, और सब फैक्ट्स मैंने विद प्रूफ शेयर किया है। तो आज जब वो इजिप्ट के अल हाकिम मॉस्क में जब वो एंटर किए, सबसे पहली चीज के बिना बिना शूज के पूरा एहतराम उन्होंने किया, बिना किसी सिक्योरिटी के,
बिना किसी प्रोटोकॉल वगैरह जो था उन सब चीजों को साइड में रख करके एक धर्म स्थान पर, एक रिलीजियस प्लेस पर जैसे सम्मान और आदर करते हुए एंटर किया जाता है वैसे उन्होंने किया है। और वहां पर लोग उनसे मिलने के लिए मतलब तरस रहे थे उनको देखने के लिए। वहां पर इजिप्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको रिसीव किया, वही सेम यूएस जैसी एक ही तोपों की सलामी, वही सेम सब कुछ जैसे उन्होंने वॉशिंगटन में वाहवाही और भारत माता की जय का नारा सुना, वही सब कुछ उन्होंने सब कुछ देखा। मुझे इतनी महसूस, इतनी खुशी महसूस हुई। और बाद में वो मिस्र वॉल जो मेमोरियल है हेलोपोलिस का, उसमें वो गए जिसमें ऑलमोस्ट 3727 हमारे भारत के जो जवान हैं, जो वीर हैं, जो वहां पर मृत्यु हुए थे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, उनको उन्होंने सम्मान दिया, वहां पर फूल चढ़ाया उन्होंने, और जो दर्द था। अच्छा, वैसे एक पाकिस्तानी निमरा, शायद आपको आज बातों का जवाब मिल ही गया होगा कि आप यूजुअली बोलते रहते हैं कि कश्मीर वो ये, इंडिया प्रोपेगेंडा, मोदी वो ये, तो आप शायद, आपको आज एक हमारे दर्शकों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, इस टाइम पे शायान यहाँ पे प्रेजेंट है, पाकिस्तान से है, लेकिन आप देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन कश्मीर, पीओके एंड इंडियन कश्मीर, जो हर कोई इंडियन कश्मीरी आके बार बार डिबेट्स में कहता है कि वी आर फ्री कश्मीरीज एंड हमें कोई भी जुल्म जाति यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ रही है, हर कोई इंडियन आके क्लियरली कहता है कि प्रधानमंत्री की विचारधारा के बारे में वो लोग सही तरीके से सहमत है, लेकिन आज एक पाकिस्तानी यहाँ पे बोल रहा है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, पाकिस्तान में जो इन्होंने देखा है, जो इन्होंने पाकिस्तान में रह के देखा है कि प्रधानमंत्री के लिए जो है वहां पे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, उनको कुछ गुजरात का कसाई बोला जाता है। बट यू नो व्हाट शायान, हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं बिकॉज इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो अभी हमारा कुछ मतलब यूनाइटेड नेशंस भी हमें सराहा, या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है प्रधानमंत्री को सराहा जाता है, तो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा चुभती है कि कश्मीर को हमेशा बदनाम किया जाता है, कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा, चाहे यहाँ पे G20 हुआ, आर्टिकल 370 या 35 की मनसूखी हुई, तब भी पाकिस्तान ही बार बार मुदाखलत कर रहा था। आपको क्या लगता है कि बार बार ये कश्मीर का मसला, बार बार ये इंडिया का मसला, क्या इनके इनकी कंट्री में कोई और मुद्दा नहीं बचा है, ये बार बार कश्मीर और इंडिया के मसले को लेके आते हैं? इसका प्रोग्राम आज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी पाकिस्तान ने 40 साल तक अमेरिका की गुलामी की है, अमेरिका के हर कहने पर काम किया है, जैसे अमेरिका ने बोला वैसे हमने किया, हमने उसकी जंगों में उसकी साथ शिरकत भी की है, और अमेरिका ने इस दौरान जो है 2 दफा अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन भी किया, लेकिन अब जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया है, पाकिस्तान के माली हालात ठीक नहीं है, अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज करके पाकिस्तान को एक साइड पे कर दिया है और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती कर ली है। तो अभिषेक भाई, आप अमेरिका के दोस्त बन गए हैं और अमेरिका ने हमें पीछे छोड़ दिया है, इसकी क्या वजह है, आप जरा बताएंगे, थोड़ी रोशनी डाले इस पे? मुजफ्फर भाई देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है ना कि द होल कंट्री इस डिवाइड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, सेंटेंस बोल देना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका मतलब क्या है, इससे कोई इसकी कोई एनालिसिस ही नहीं है, कंट्री में एनालिसिस नाम की चीज ही नहीं है, और ये अगर है तो इतनी सुपरफिशियल है कि एनीवन विद अ साइंटिफिक टेम्परामेंट वो खाली उठ के चला जाएगा वहां से, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब का क्या स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, और ऑन टेरर में अमेरिका के साथ आए, which was basically war on jihad because वो अलकायदा के अगेंस्ट में लड़ा, अलकायदा ने पूरे वेस्ट के अगेंस्ट में, स्पेशली अमेरिका के अगेंस्ट में जिहाद किया था, वो ओसामा बिन लादेन के वीडियोस रेडियली अवेलेबल है कि ये अलकायदा के अगेंस्ट में वॉर था, ये वॉर ऑन टेरर ना होकर के वॉर ऑन जिहाद था, इस्लामिक वर्ल्ड को वो धक्का ना पहुंचे इसके लिए वॉर ऑन टेरर जैसा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज की गई। ठीक, चलिए, अब आपने क्या किया अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उधर से बुश ने कहा कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, बुश ने हमसे भी कहा कि आ जाओ हम जा रहे हैं वॉर ऑन टेरर करने, हमने कहा हमको इस वॉर ऑन टेरर में आने की जरूरत नहीं, आप धड़ से पहुंच गए, आपने कहा हम करेंगे आपका वॉर ऑन टेरर, हमें पैसे दो,
आपने पैसे लिए जब आप वॉर ऑन टेरर को लड़ रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप जिनको जिनके अगेंस्ट में लड़ रहे हो बाद में आप उन्हीं को अमेरिका को बेच रहे हो। आपने सारी दुनिया से डबल गेम खेली और आपके लोग अंदर देखना भी नहीं चाहते। मैं जी यही बात समझ में नहीं आती कि आप कह रहे हो हम टेरर के विक्टिम हैं। यार मैं सिगरेट पी रहा हूं, मुझे कैंसर हो जाए, फिर मैं कहूं कि मैं कैंसर का विक्टिम हूं? मैंने कैंसर को न्योता दिया है भैया। कैंसर का विक्टिम वो होगा पुअर गाय जो मेरे सेकंड हैंड स्मोकिंग से जो बेचारा अफेक्टेड हो जाए। तो देखिए बात यह कि अगर आपको विक्टिम का कार्ड खेलना है कि हम भाई विक्टिम ऑफ टेरर है, तो आप दुनिया को यह बताइए कि आप किस टेरर के विक्टिम हैं, किसने आपका अगेंस्ट में टेरर किया है? इंडिया ने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है, अमेरिका ने आपने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है। ये टेरर आपकी उस कंफ्यूज पॉलिसी का है जो आप जिसको समझते नहीं है, क्योंकि आप एक उस पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते हो जो पॉलिसी आप अपने घर पे नहीं लाना चाहते हो। ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, यही बात आपको समझ में नहीं आती। आप अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को सबसे पहले सपोर्ट देने पहुंच जाते हो, लेकिन जब वही तालिबान का टीटीपी चैप्टर पाकिस्तान में आना चाहता है तो आप उसके साथ बांटते हो। कह रहे हो ये तालिबान का अफगानिस्तान चैप्टर गुलामी की जंजीर को तोड़ता है और अफगान का पाकिस्तान चैप्टर विक्टिम ऑफ आतंकवाद बनाता है, आपको विक्टिम ऑफ टेररिज्म बनाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी दुनिया में बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जो कानून बनाया गया पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी साहब हुकूमत करें, एक कानून बनाया गया उसे पर फॉलो करते जा रहे हैं, ना कि ये नहीं है कि एक आ रहा सियासतदान वो खींच रहा टांग खींच रहा, दूसरा आ रहा वो उसकी टांग खींच रहा। नहीं, वहाँ के लोग समझते हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, हम मुल्क के लिए काम करेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम रोशन करेगा। वही इंडिया जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, आज वो अपनी करेंसी में 18 मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी करेंसी दिन ब दिन डाउनफॉल की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो तो जाहिर सी बात है डाउनफॉल की तरफ बढ़ती जा रही है, साथ में हमारी जो इकॉनमी है, हमारी मीशत है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अच्छी निगाह से भी देखा जा रहा दूसरे मुल्कों के अंदर, ये क्या करें? हमारे प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड भी नहीं है इतने ज़्यादा, ना वहाँ पर जाके कोई अच्छी डेवलपमेंट की बात करते हैं, कैसे देखा जाएगा अच्छी निगाहों से? कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। एक प्राइम मिनिस्टर आगे एक लॉ पास करता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है वो लॉ ख़त्म कर देता है, एक आता है तरक्की के नारे लगवाता है वो आ जाता है, दूसरा आके उसे चोर करप्शन उस पर साबित करना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से जब तक हमारा मुल्क नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे मुल्क को चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों से, जो सबसे बड़ा मसला है हमारी यूथ का मसला, हमारी यूथ आए दिन, आज पीपल पार्टी के साथ हमारी यूथ है, आज PTI के साथ यूथ है हमारी, आज तरीके लब्बैक के साथ यूथ है। भाई अपने लिए किधर हो? आज चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लोग आवाम अपनी महंगाई के लिए बाहर नहीं निकलती। आज खान साहब ने जलसा कर दिया आवाम बाहर आ गए, आज खान साहब बिलावल साहब ने जलसा किया आवाम बाहर आ गए, आज शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया आवाम बाहर। इन लीडर्स को छोड़ देना चाहिए, अपने लिए फोकस करो, अपने आप पर वर्क करो। जब अपने लिए काम करोगे दिन हमारा मुल्क खुशहाल भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। जब तक आप ये नारों के पीछे लगे रहोगे खुद तो कुछ करोगे नहीं, नारे लगाते रहोगे घर कैसे चलाओगे? जब घर नहीं चलेगा तो भूखे मरेगी, बेरोजगारी होगी, घर परेशान। यार जब तक आप अपना घर नहीं ठीक कर सकते मुल्क क्या करोगे ठीक? सबसे पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। जब आप अपना घर ठीक करने के काबिल हो जाओ फिर अपना मोहल्ला ठीक करो, अपना माशरा ठीक, मोहल्ला ठीक करो, फिर शहर ठीक करो, ऐसे तरक्की होती है दिन ब दिन। एकदम से अगर आप कहोगे तरक्की का नारा लगाएंगे और पूरा पाकिस्तान बदल देंगे तो बहुत मुश्किल है। देखिए बहुत अरसे पहले अमेरिका कहते थे पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन अब चूंकि कंट्री टू कंट्री हर एक कंट्री के इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो समझदार वही है जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें। अगर अमेरिका जो है वो इस टाइम अमेरिका का झुकाव जो इंडिया की जानिब है तो इसमें हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना के आगे कुछ नहीं बोलते तो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोलते ना। आपने रिसेंटली देखा कि मस्जिद तोड़ी, यही मस्जिद अगर इंडिया में तोड़ी होती तो इधर तो इतने प्रोटेस्ट निकल रहे होते, क्योंकि इधर तो ऑफिशियल्स भी कोई नहीं वो कर रहे। चाइना के खिलाफ तो वो कुछ नहीं सुन सकते, अरे भाई चाइना तो हमारा दोस्त है वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो जब हम अपने मुल्क ट्रस्ट के हिसाब से दोस्तियां डेवलप कर सकते हैं तो अमेरिका भी अपने मुल्क के ट्रस्ट के हिसाब से दोस्तियां डेवलप कर रहा है और अपने ताल्लुकात उस कंट्रीज के साथ अच्छे करेगा जो जिस पे उनको फायदा होगा। आपने देखा होगा इंडिया और US की कितनी ट्रेड जो है वो चल रही है आपस में, और साथ ही साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट रहा वो कितना सक्सेसफुल है। और
और सक्सेसफुल इस तरह है कि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ काम किया और जो प्रोजेक्ट्स उनके दरमियान साइन हुए. हमने रिसेंटली कल ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए दोनों कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वहाँ पर जाएंगे. बहुत बड़ी अचीवमेंट जहाँ पर हमें अपने रोटी कपड़े मकान के लाले पड़े हुए हैं और वहाँ पर वो जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि स्पेस पे जाने का सोच रहे हैं उनके. और दूसरे नंबर पर आप देख लें, अमेरिका ने एक लिस्ट भी जहाँ पर जारी की थी जिस पर पाकिस्तान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला था और टेररिज्म के जमरे में लेकर आए थे. अब मुझे ये बताएं कि इतना अरसे से अमेरिका हमें जो है वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है, तब अमेरिका ने ये क्यों नहीं सेंक्शंस लगाए? ये भी तो सोचने की बात है ना. अब देखें उसके वो बेसिकली ये चाह रहे हैं, मतलब वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करें ना. अगर वो इंडिया के साथ हैं इस टाइम तो वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और जो कि देख रहे हैं अगर उनका झुकाव उस साइड पे तो वो उधर करेंगे. अब हमारा झुकाव चाइना की जानब है तो वो हम उनके अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे. अब आपने देखा कि सऊदी अरब जो कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं जो कि OIC के मेम्बर्स भी हैं, तो वो भी उनका भी आज जो झुकाव है वो इंडिया की जानब है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है. अब देखें कि कोविड में जब इमरान खान साहब रशिया गए और पहले दिन वहाँ पर जंग शुरू हो गई और इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पर जंग शुरू हो रही है, मैं जा रहा हूँ. और उसके बाद जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ा वो भी आपके सामने है, कितने सेंक्शंस हमें अमेरिका की जानब जो है वो फेस करने पड़े थे. अब उसी दौरान इंडिया ने उनसे सस्ते दामों रशियन ऑयल ख़रीदा और पूरी दुनिया में ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए कर रहे थे और अमेरिका का प्रेशर फेस करने के बावजूद वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. और अब रशियन ऑयल इंडिया के थ्रू पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है. तो आपके सामने है सारी सिचुएशन के इंडिया ना तो किसी प्रेशर में आ रहा है और इंडिया और जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो थर्ड बड़ी सुपर पावर बन जाएगा. और सुपर पावर यानी कि जो अच्छा खाता पीता होगा, इवन कि आप अपनी एग्जांपल ले लें छोटे से, आपके साथ है घर का या आप खाते पीते होंगे तो सारे रिलेटिव्स का झुकाव जो है वो आपकी तरफ होगा. तो अभी मतलब आपको तो पता ही है कि मैं एज एन इंडियन बार बार ये दोहराती हूँ, आपको शायद आज एक पाकिस्तानी से भी जो एक पाकिस्तान में पला बड़ा है फिर भी जो है आपने देखा होगा किस तरह की विचारधाराएं रखते हैं इंडिया के बारे में. तो मैं एज एन इंडियन ये बोलूंगी कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया में, मतलब मैं तो प्राउड ही फील करती हूँ. लेकिन शायान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे, चूंकि आप पाकिस्तान से हो और इंडिया को इतना सराहते हो, इंडिया का फैन हो, आपके बहुत ज्यादा ट्वीट देखे हैं मैंने ट्विटर पे, मतलब इंडिया को आप बहुत ज्यादा सराहते हो, क्या वजह है, क्या वजूहत है, क्या रीजंस है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हो? बीइंग अ पाकिस्तानी आप इंडिया को सपोर्ट करते हो और बार बार दोहराते हो कि पाकिस्तान ऐसा करता है, पाकिस्तान वैसा करता है, पाकिस्तान मुदाखलत करता है, जबकि मैंने कई ऐसे पाकिस्तानी देखे जो इंडिया को सराहते हैं. चाहे अमजद अयूब मिर्जा की बात करें, वो POK से थे लेकिन तब भी वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, और सेम आपके बारे में आप ही इस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक उभरते हुए सता रहे हो. तो आपसे भी मुझे यही जानने को मिला है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों, पाकिस्तान में रहकर भी आप पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हो, इंडिया से इतना प्यार, मतलब इंडिया के इतने, मतलब मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अच्छी विचारधारा, ये कैसे? देखिए, आपने कहा नफरत की, मैं नफरत को ही खत्म करना चाह रहा हूँ. जो पाकिस्तान में एक वो है ना एंटी मोदी, हालांकि भाई मोदी ने करा क्या है तुम्हारे साथ, जो इतना मोदी के हर वक्त मोदी के अगेंस्ट चल रहे हो तुम लोग, मोदी ने करा क्या ऐसा? और दूसरा आपने कहा पाकिस्तान का, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, मैं कंट्री नहीं समझता हूं. पाकिस्तान कंट्री वो होता है जिसका कोई कल्चर होता है. पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है. पाकिस्तान ने सारा कल्चर, मैंने बहुत बड़ी इस पर वीडियो भी बनाई थी पहले, कि पाकिस्तान ने जो भी कल्चर उठाया वो इंडिया से उठाया. अब मैं भाई इतनी सी बात करता हूँ कि भाई अगर आपको इंडिया में वापस मर्ज नहीं होना तो आप नफरत तो नहीं करो एटलीस्ट उनसे. उन्होंने आपको अपना पूरा कल्चर दिया, हर चीज दिया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नफरत करना शुरू कर दो. और फिर बोलते हैं इंडिया मुसलमानों पे ये कर रहे हैं, भाई तुमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, अगर कुछ होता तो वो पाकिस्तान आने की दिक्कत करते हैं.